आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर आर करेक्ट बट वन इज रॉन्ग तो उस गलत स्टेटमेंट को बताना है पहला ऑप्शन कि दे डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डी एन ए और आर डी एन ए टेक्नोलॉजी विच मार्क्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो सही है कि जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल था इसका प्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो भी स्टनिकोहन एंड हर्बर्ट बॉयर को ही जाता तो पहली स्टेटमेंट सही है सेकेंड वी हैव दे फर्स्ट प्रोड्यूस्ड हेल्दी शीप क्लोन फिन डोसट लैम्ब डोली फ्रॉम द डिफ्रेंशेड अडल्ट मदरस एन तो ये गलत है क्योंकि जो शीप डोली थी इसके प्रोडक्शन में या फिर इसका जो क्लोन प्रोड्यूस करा था वो वेलमेंट ने करा था ना कि स्टेन कोहेंडो और हर्बर्ट बोर्ड ने तो ये ऑप्शन टू की स्टेटमेंट गलत है थर्ड ऑप्शन वी हैव दे इन्वेंटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय कंबाइनिंग अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कंटेनिंग अ जीन फ्रॉम बैक्टीरियम विद बैक्टीरियल ईकोलाई प्लाज्मा ड्यूरिंग यूजिंग दी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो ये सही है एंड जो फॉरेन डीएनए इन्होंने यूज़ करा था ये एक ऐसा एंटीजीन था एक ऐसा ट्रांसजीन था जिसमें एंटी किसी एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोडिंग थी तो दैट वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट दे यूज्ड तो ये भी सही है फोर्थ दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाजमेट व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्फ्रिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो ये भी सही है एंड कट करने के लिए इन्होंने यूज करे थे बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंटोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो केवल जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है क्लास एक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर